आपके प्रोडक्ट और सेवाएं के बारे में ग्राहकों के लिए क्या वैल्यू क्रिएशन कर सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आपसे बातचीत करूंगा। मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हमारी बैंक है और बैंक में हम काफी लोगों को कोचिंग देते हैं उनके बिजनेस के बारे में, तब उसमें बताते रहते हैं कि वैल्यू क्रिएशन होना बहुत जरूरी है। वैल्यू क्रिएशन मतलब मूल्य निर्माण, और मूल्य निर्माण यदि आप करते हैं, वैल्यू क्रिएशन आप लोगों के लिए करते हैं, तो आपका धंधा बहुत आगे बढ़ जाएगा, है ना, आपका बहुत प्रॉफिट बढ़ेगा। तो वैल्यू क्रिएशन क्या होता है कि भाई आपके जो ग्राहक है, आपके जो कस्टमर है, उनकी साइकोलॉजिकल क्या नीड्स है, मनोवैज्ञानिक या आंतरिक क्या नीड्स है, या उनकी बाह्य मतलब आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर, आपका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में उनकी क्या इच्छा है, उनकी क्या जरूरत है, उनकी क्या समस्या है, आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट और आपकी जो सेवाएं हैं सर्विसेस उसके बारे में। क्योंकि आप कस्टमर को खुश रखेंगे, कस्टमर को क्या चाहिए वो देंगे, तो कस्टमर आपको पैसा देगा आपके सर्विसेज का, आपका प्रोडक्ट का, तो वो जानना जरूरी है और बार बार उसका सर्वे, मार्केट सर्वे होना जरूरी है। तो फिर आपके जो ग्राहक है उनके लिए आपके जो प्रोडक्ट्स है और आपकी जो सर्विसेस है, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद, तो उनकी इच्छाएं, समस्याएं, चुनौतियां जो है, तो वो पूरा करने के लिए आपके प्रोडक्ट्स में क्या चेंज करना जरूरी है, आपकी सेवाएं जो है सर्विस उसमें क्या बदल करना जरूरी है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा और वो क्या करना है उसके लिए उनको पूछना पड़ेगा कि आपकी क्या जरूरत है। तो फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स इज मोर इम्पॉर्टेंट, मार्केट सर्वे इज मोर इम्पॉर्टेंट, मार्केट में सर्वे करना जरूरी है, लोगों का फीडबैक लेना जरूरी है। आप जाते हो ना कहीं बड़े मॉल्स में जाते हो, एयरलाइंस में जाते हो, तो वहाँ फीडबैक लेते हैं बिल्कुल जरूर। तो वो फीडबैक लेना बहुत ही जरूरी है कि जिसमें आपको ये मालूम पड़ेगा कि भाई हमारे कस्टमर को क्या चाहिए, फिर आपके कस्टमर को जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, जो इच्छाएं, जो जरूरत है, वो पूरा करने के लिए क्या मुझे कोई नए प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे, क्या नया उत्पाद करना पड़ेगा, न्यू सर्विसेज देनी पड़ेगी, क्योंकि वो यदि आप देते हैं तो आपका धंधा बढ़ेगा। ग्राहकों को चाहिए एक्स, आप दे रहे वाई, फायदा कैसे होगा, तो आपको ये देखना पड़ेगा मेरे ग्राहकों को क्या चाहिए, और ग्राहकों को जो चाहिए वो आप देते हैं तो आपका धंधा बढ़ेगा। जैसे हमारे हॉस्टल में एक छोटा सा स्टोर था, तो उसमें डेली नीड्स की आइटम रखते थे, तो उसको पूछा मैंने, ये कैसे धीरे 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 बढ़ाया तूने, सब आइटम्स तेरे पास में है? बोले बस जो लड़के हॉस्टल के आते हैं वो पूछते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए, मेरे पास में वो नहीं है। फिर दूसरा कोई लड़का है उसने कोई माल पूछा है क्या, तो तीसरा लड़का है तो मेरा ये जरूरत है, बस कल से मैंने वो माल रखना चालू किया, उसका सेल बहुत बढ़ना चालू हो गया। किसी ने कुछ पूछा वो मेरे पास में नहीं, बोलता नहीं आज नहीं कल ला के दूंगा। तो जो कस्टमर पूछते रहते हैं उनको क्या चाहिए, बस वो माल लाना कल रखना, उसका सेल चालू हो गया। ऐसा इस तरह मैंने जो जरूरतें थी लड़कों की, लड़कियों की, तो वो जरूरतें पूरे करने के लिए जैसे जैसे डिमांड आती गई वैसा वैसा मैं माल भरता गया, और आज मेरे पास में इतना माल है, और मैं कोई भी कस्टमर को ना बोलता ही नहीं कि उसने जो पूछा है वो मेरे पास में है। इस तरह का वो सर्विसेज क्या चाहिए लोगों को, उनको माल कौन सा देना है, उनको क्या जरूरत है, क्या नया माल लाना पड़ेगा, नई सर्विसेज देनी पड़ेंगी, नया प्रोडक्ट डिजाइन करना पड़ेगा, ये हमको बार बार देखना पड़ेगा, उससे वैल्यू क्रिएट होंगी। तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि मैं क्या नया कर सकता हूँ मेरे बिजनेस में, क्या नया ला सकता हूँ मेरे बिजनेस में, लोगों को क्या चाहिए। तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि भाई आप यदि कस्टमर है तो आप क्या चाहोगे, यहाँ आप यदि एज ए कस्टमर आते हैं आपके बिजनेस में, आप कस्टमर करके आते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, या फिर सेम बिजनेस में आप कस्टमर करके जाओ और वहां देखो कि क्या चाहिए, क्या मिसिंग है, क्या आप एक्सपेक्ट करते हो, और फिर वो आप क्या रखते हो, तो डेफिनेटली आपका धंधा बढ़ जाएगा। तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है कि आपके जो कस्टमर्स है, आपके जो ग्राहक है, उनको जो चाहिए वो देना है, नए प्रोडक्ट डिजाइन करो, नए सर्विसेस क्या दे सकते हो वो देखो, जरूरतें क्या है, इच्छा क्या है, समस्याएं क्या है वो देखो। जिसने वो सूटकेस के जो व्हील्स रहते हैं ना, सूटकेस को व्हील, उसने क्या देखा कि लोगों को वो सूटकेस, बड़ी बड़ी सूटकेस उठा के लेके जाना पड़ता है। तो जरूरतें या समस्याएं क्या थी ग्राहक की कि वो सूटकेस उठा के लेके जाना पड़ता है प्लेटफॉर्म पे, कभी कभी कुली मिलता नहीं है, खुद को उठाना है, इतने बोझ लेके कैसे जाएंगे। उसने क्या किया, वो देखा और नीचे चक्के लगा दिए व्हील्स सूटकेस को, और बम पैसा कमाना चालू कर दिया। जरूरत क्या थी व्हील्स की, जरूरत क्या थी कि भाई सूटकेस उठाने का काम नहीं पड़ना चाहिए, और वो चालू हो गया।
तो लोगों को क्या चाहिए, लोगों के लिए मैं क्या सर्विस दे सकता हूँ, ये आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएशन हो जाएंगे और आपका धंधा हो जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।